तेलंगाना में सभी सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और ज़बरदस्त वहाँ चुनावी सभा और कसमकस। तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की ज़बरदस्त माहौल है। खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार वहाँ जा रहे हैं और जो रुझान जो दिख रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ज़रूरी है, यदि बारिश होती है तो कम से कम उसमें तिरपाल वगैरह सब ढकने का कवर केप वगैरह लगाएं। खाद्य मंत्री सामने हैं तो सब देखेंगे, समीक्षा कर ले। ठीक है, और कोई बात? सर, प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस और केसीआर ने दोनों ने बराबर का पाप किया है, तेलंगाना को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ की जनता एक बीमारी को भगा के दूसरी को आ रही है। बल्कि मुझे तो वहाँ एक पत्रकार पूछ रहे थे कि ये के कविता जो है प्रधान वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उसकी पुत्री है, ईडी ने नोटिस देने के बाद जब वो नहीं गई तो ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो मैं बोला इसे समझा जा सकता है बीजेपी और जो बीआरएस है उसके संबंध कैसे हैं। ये वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि कांग्रेस का वोट विभाजित हो ताकि बीआरएस की सरकार बन सके, ये तेलंगाना की जनता जान चुकी है। अब वो इनके उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो मूर्खों के सरताज कहेंगे तब कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, जो जनता बोलती है यदि वो राहुल जी बोल दे तब उसमें शिकायत भी हो जाती है, कार्रवाई भी होती है, नोटिस भी हो जाता है। ठीक है, अरे ईडी आईडी हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी वैसी दबाव में भाई। हाँ, उसके दबाव में अब क्यों जबरदस्ती नाटक नौटंकी कर रहे हैं लोग भाई? सारे हम लोगों को देखा है चुनाव के दरमियान कि शिकायत भी कर रहे हैं, उसे सामान भी वहाँ पकड़ा हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? सारे लोग धमकी दिया गया कि यदि समझ लो ईडी आईटी तुम्हारे घर भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू।